स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवशीष वर्मा और आप देख रहे हैं समय पर। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। देश में अब 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। देश में कोरोना वायरस अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने उन राज्यों और क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया जहां कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में भविष्य की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मानसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि इस बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव आदि मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम, उपराज्यपाल और बाकी जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद अमित शाह एक दूसरी बैठक करेंगे जिसमें वो दिल्ली के जितने भी 3 MCD हैं उनके मेयर मौजूद रहेंगे। इसमें भी इस बैठक में वो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, कोरोना के बारे में हालात पर चर्चा करेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण आज की बैठक अमित शाह करेंगे जिसमें कोरोना की स्थिति के बारे में जाना जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को 2 दिन देश के जितने भी SCM हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में जाहिर तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में लॉकडाउन का क्या हाल हो सकता है, लॉकडाउन के बारे में आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इसके बारे में इस पूरी बैठक जो 2 दिन सेशन चलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जितने भी अलग अलग राज्यों के सीएम है उनके साथ इस पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि कई जगह की ऐसी खबरें आई है कि जहां पर हफ्ते में सिर्फ एक बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से एक खबर आई है जहां पर जो वहां की DM है सिल्वा कुमारी, उन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि अब हफ्ते में एक दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि उस दिन जितने भी बाजार है, दुकानें हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही अगले दिन से सारा कुछ खोला जाएगा। मुजफ्फरनगर जैसी खबरें कई जगह से सामने आई है। हरियाणा में लोगों ने मांग की है कि हफ्ते में एक दिन लॉकडाउन लगाया जाए। वहीं ग्रेटर नोएडा के व्यापारियों ने अब ये मांग की है, एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2 दिन मार्केट को बंद किया जाए ताकि वो अपनी दुकानों को सैनिटाइज कर सके, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना का डर है वो लोगों के अंदर बैठ चुका है, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में हालात हैं, पूरे गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हालात बेकाबू हो चुके हैं पूरी तरीके से, जिसको लेकर व्यापारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मार्केट को 2 दिन तक बंद करने की मांग की गई है हफ्ते में। बहरहाल अब तो ये तय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, कोरोना के मामलों में अगर देखा जाए तो भारत का 4th स्थान है। वहीं सभी की नजरें पीएम नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है, उनकी बैठक पर टिकी हुई है। किस तरीके से आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या फैसला लिया जाएगा, क्या फिर से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगाया जाएगा। फिलहाल समय भारत आपसे यही अपील करता है कि आप इस वक्त घर में रहें, जितना हो सके घरों से बाहर कम निकलें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।